वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और आज एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिनका नाम लूम सीएमपीएक्स। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे लूम सीएमपीएक्स। तो उसमें क्या है, हम आज डिस्कशन करेंगे लूम के जो स्टॉपेज रेट होता है वो कितने पिक्स में कितने टाइम से वो स्टॉप होता है, उसको हम सीएमपीएक्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और हमारे पिछले वीडियो अब स्पिनिंग यार्न रिलेटेड और यार्न रिलेटेड जो टर्म होता था उसके ऊपर डिस्क्राइब करते थे, और ये व्यूअर्स के डिमांड के वजह से फिर मेरे को ये लूम सीएमपीएक्स डालना पड़ा। फिर भी लूम सीएमपीएक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसमें फ़ायदा क्या है डिपार्टमेंट के, तो ये चीज़ आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारे वीडियो आगे फॉरवर्ड कीजिए, और जिनको ये ज़रूरत है, और बाकी आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट जरूर देते रहिए। अगर वीडियो में कोई लाइटिंग का आवाज़ का और वीडियो में आवाज़ क्वालिटी लाइटिंग की क्वालिटी में अगर कमी या तो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर ऐसा लग रहा है वीडियो में कुछ कमी है तो आप ज़रूर कमेंट में डालिए, और कमेंट के आधार पर हम उसको आने वाले वीडियो में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक लूम सीएमपीएक्स, और आप लोग पूरा अच्छे ध्यान से देखिए लूम सीएमपीएक्स क्या है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और लूम सीएमपीएक्स में हमें फ़ायदा क्या क्या मिलता है। ठीक है ना चलते हैं। हाँ, तो लूम सीएमपीएक्स का अर्थ है, लूम सीएमपीएक्स इसका अर्थ है स्टॉपेज रेट, लूम स्टॉपेज एक्सप्रेस्ड लूम स्टॉपेजेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्या, लूम स्टॉपेजेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम्स पर वन लाख पिक्स इज नोन एज लूम सीएमपीएक्स। मैं जो लिखा उसको अभी बताते हैं क्या है, उसमें क्या अर्थ है। लूम स्टॉपेज है लूम सीएमपीएक्स, तो लूम सीएमपीएक्स का क्या है कि लूम स्टॉपेजेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम्स पर वन लाख पिक्स इज नोन एज लूम सीएमपीएक्स। जो लूम स्टॉप हो रहा है, लूम स्टॉप को हम मैनुअली स्टॉप कर सकते हैं, कोई मेंटेनेंस के रिलेटेड स्टॉप हो सकता है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कुछ स्टॉप हो सकता है, फिलिंग के रिलेटेड स्टॉप हो सकता है, वार्प के वजह से भी स्टॉप हो सकता है, किसी मशीन क्लीनिंग के वजह से भी स्टॉप हो रहा है। फिर हम लोग आज दो चीज़ को लेंगे, वार्प और फिलिंग सीएमपीएक्स। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वार्प का एंड फिलिंग का, ये दो टर्म में जो ज़्यादा स्टॉप होता है। वार्प सीएमपीएक्स, वार्प स्टॉपेज में मशीन कितने टाइम बंद हुआ और कितने पिक्स में, एक लाख पिक में कितने टाइम बंद हो रहा है, और फिलिंग का, फिलिंग के वजह से इतना मतलब पर लाख पिक में कितने टाइम से बंद हो रहा है, ये चीज़ों को आज डिस्कशन करेंगे। मैनुअल स्टॉप, बाकी ब्रेकडाउन स्टॉप, मशीन क्लीनिंग स्टॉप, ये चीज़ों को हम डिस्कशन को लेंगे नहीं, मोटा मोटी हमारे वार्प का और फिलिंग के वजह से जो स्टॉपेज होता है उसको सीएमपीएक्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके ऊपर रहेगा। तो लूम स्टॉपेजेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम्स पर वन लाख पिक्स इज नोन एज सीएमपीएक्स। तो ये इसका अर्थ है लूम स्टॉपेजेस एक लाख पिक में वो कितनी बार बंद हो रही है, एक लाख पिक में जितनी बार बंद होगा वो उतना सीएमपीएक्स बोला जाएगा उस लूम का। अगर वार्प के लिए है तो उसको बोलेंगे वार्प सीएमपीएक्स, अगर वेफ्ट के लिए है तो उसको बोलेंगे वेफ्ट सीएमपीएक्स। तो सीएमपीएक्स का फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, ये रिटर्न में भी आपको दिखा दे रहे हैं लिखकर, सीएमपीएक्स। इसका जो फुल फॉर्म है सी फॉर सेंटी मिलियन पिक्स, सेंटी मिलियन पिक्स, मिलियन हो गया क्या 10 लाख पिक,
10 लाख, और सेंटी हो गया सेंटी मिलियन, यानी कि 1 लाख। तो ये टर्म से कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो सेंटी मिलियन होता है, सेंटीमीटर सी एम सेंटी मिलियन, पिक्स यानी पिक्स यानी पिक्स, सेंटी मिलियन का अर्थ है मिलियन, हम 10 लाख को हम बोलते हैं मिलियन। जैसे किसी वीडियो में हमारा 2 मिलियन व्यू आया है तो उसका अर्थ क्या है, 20 लाख व्यू आया है, यानी 20 लाख लोगों ने या तो 20 लाख बार उसको देखा गया है। तो वैसे ही 2 मिलियन 20 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, यानी 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो सेंटी मिलियन का अर्थ है 1 लाख, या तो सेंटी मिलियन व्यू बोलो या तो 1 लाख व्यू बोलो, या तो सेंटी मिलियन पिक्स बोलो या तो 1 लाख पिक्स बोलो, वही है। तो सेंटी मिलियन मोटा मोटी 1 लाख होता है, उसके आगे व्यू लगाओगे तो 1 लाख व्यू होगा, पिक्स लगाओगे तो 1 लाख पिक्स होगा। तो ठीक है, तो लॉन्ग सीएमपीएस जो है स्टॉप रेट है, तो पर लाख में जितने बार बंद हो रहा है वो उसमें से निकाल उतना सीएमपीएस होगा। अगर वार्प के लिए बंद हुआ तो वार्प सीएमपीएस बोलेंगे, वेफ्ट के लिए बंद हुआ तो वेफ्ट सीएमपीएस बोलेंगे। तो फिर भी तो उसमें क्या है, 1 लाख पिक में कितने बार बंद हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अगर आप 8 घंटे का निकाल रहे हो, 4 घंटे का निकाल रहे हो, 1 घंटे का निकाल रहे हो, या तो 24 घंटे का भी निकाल रहे हो। मैं आपको आज 24 घंटे का निकाल के दिखा रहा हूँ, एक 24 घंटे का निकाल के दिखा रहा हूँ। तो 1 लाख में इतने बार बंद हुआ, तो यहाँ पे क्या दो, एक तो हमें क्या है पिक्स, टोटल पिक्स कितना है और टोटल बंद हुआ कितना, स्टॉप टाइम, ये दो टर्म को पता होना चाहिए। अगर लूम को हम लेंगे 8 घंटा 10 घंटा या तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में अभी आज मैं 24 घंटे का ही दिखा रहा हूँ, 24 घंटे में पिक्स लगा कितना, जितना टाइम होगा या तो जो टाइम आप लेंगे सीएमपीएस निकालने के लिए एक लूम का, तो उतना टाइम में कितना पिक टोटल लगा है मशीन में वो देखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में पिक लगा कितना, 100% नहीं चला है, 90% चला है, तो 90% में पिक कितना लगेगा वो लूम के आरपीएम से हम निकाल सकते हैं। तो उतने टाइम चलने के बाद जो पिक लगा वो तो हम निकाल दिए, ठीक है, या तो कंप्यूटर में उतना पिक तो दिखाई भी दे रहा है, या तो हम उसको कैलकुलेशन करें तो निकाल भी दे सकते हैं आरपीएम से। और उतना पिक लगने के लिए या तो उतना टाइम चल रहा हुआ मशीन में कितने टाइम बंद हुआ, यानी एक वार्प हुआ या तो एक फिलिंग हुआ तो उसको 1 टाइम बोला जाएगा, दूसरी बार बंद हुआ तो सेकेंड टाइम, तीसरी चौथी बार 5 बार 10 बार बंद हुआ तो 10 टाइम्स ही बोलेंगे। पर उतना टाइम पे 24 घंटे में अगर 20 बार बंद हुआ तो 20 टाइम 20 टाइम्स, 15 टाइम बंद हुआ तो 15 टाइम्स, और 24 घंटे 15 टाइम्स क्या हुआ 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में हमारा पीक 1 लाख नहीं लेगी, 24 घंटे में आरपीएम के अकॉर्डिंग हिसाब कैलकुलेटिंग करेंगे जो आएगा वो उतना पीक लगा है। तो वो टोटल पिक हुआ कुछ और टोटल ब्रेकेज हुआ कुछ, तो टोटल पिक में हमारा मान लो 10 लाख 20 लाख पिक में मान लो 15 बार बंद हुआ, तो 1 लाख पिक में कितना होगा, 20 लाख पिक में 15 बार बंद हुआ तो 1 लाख पिक में कितना होगा, यानी कि 20 गुना पिक, 1 लाख का 20 गुना ज़्यादा हो रहा है, 20 लाख में हमारा 15 टाइम्स बंद हो रहा है, ठीक है। तो 1 लाख में कितना होगा, 15 टाइम्स बाई 20, जो आएगा उसका सोल्यूशन करेंगे उतना उसका सेम टैक्स होगा। वैसे ही तो एक आपको बता दे रहे हैं, मान लो लूम चला है 900 आरपीएम, लूम आरपीएम इज इक्वल टू 900 और एफिशिएंसी इज इक्वल टू 95%, और वार्प के वजह से क्योंकि हमें वार्प का सीएमपीएस निकालेंगे और वेफ्ट का सीएमपीएस निकालेंगे, वार्प स्टॉप रेट वार्प टाइम्स, वार्प कितने बार बंद हुआ है मान लो 15 बार, फिलिंग के वजह से कितने बार बंद हुआ है मान लो 30 या तो उसको 45 कर देते, कोई बात नहीं। और ये टाइम हमें लिया है आज बता रहा हूँ 24 घंटे का, तो टाइम लूम चलिए 24 घंटा,
तो ये डाटा है हमारे पास, एक आरपीएम है, इस डाटा से अभी निकालेंगे वार्प सीम पेस कितना है और फिर निकालेंगे बेप्ट यानी कि फिलिंग सीम पेस। इसको आज अभी आपके सामने कैलकुलेशन करके बता दे रहे, तो आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आरपीएम 900 है, 95% की लूम चली, वार्प स्टॉप रेट, वार्प कितने टाइम बंद हुआ, वार्प टाइम्स कितना हुआ, स्टॉप टाइम, वार्प स्टॉप टाइम लिख देते हैं, स्टॉप रेट या तो वार्प उसको लिखते हैं वार्प स्टॉप टाइम, और ये वेप्ट स्टॉप टाइम, टोटल वेप्ट, ये टोटल जो है ये टोटल 15 टाइम बंद हुआ है और 45 बार फिलिंग हुआ है, कितने में, 24 घंटे में। हम आज 24 घंटे का निकाल रहे हैं, 1 घंटे का निकालो, 10 मिनट का भी निकालो, या तो 8 घंटे का भी निकालो, बात वही है। मैं टाइम लिया हूँ 24 घंटा, 24 घंटा में 900 आरपीएम के जो मशीन चली 95% में चली, और टोटल 24 घंटे में वार 15 बार बंद हुआ, वेप्ट बंद हुआ 45 बार, 45 टाइम्स। तो उसका वार्प सीम पेस क्या है और फिलिंग सीम पेस क्या है, तो फास्ट क्या है, मैं बोला था लाख पीक में कितना बार बंद हुआ, तो वहाँ पे पता करना पड़ेगा 24 घंटे में रियल में पीक लगा कितना, और उतना पीक लगा तो कितना बंद हुआ, वार्प बंद हुआ है 15, फिलिंग बंद हुआ है 45, तो टोटल पीक में 15 बार वार्प हो रहा है, तो लाख में कितना होगा, वो होगा वार्प सीम पेस, टोटल फिलिंग हुआ है 45 और पीक लगा मान लो उसको निकालेंगे टोटल इतना पीक, तो जितना पीक है उसको 1 लाख में कितना होगा, 1 लाख में जितना बार बंद होगा वो होगा उसका फिलिंग सीम पेस, वैसे ही। तो टोटल पीक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, टोटल पीक्स कितना होगा, टोटल पीक्स यहाँ पे इस बॉक्स में पीक्स जो आएगा वो मतलब लिख दे रहा हूँ, 900 का 95% 24 घंटा, तो कितना होगा, स्पेस कम हो रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, 900 का 95% यानी कि 95/100, 900 का 95% और 24 घंटा, 24 एक घंटा 60 मिनट होता है, ठीक है ना, तो ये सॉल्व करेंगे तो टोटल पीक आ जाएगा, ये 2020 कट, ये बाकी जो आया वही, अभी इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, 9 × 95 × 24 × 60 यानी कि इतना आ रहा है 123 1200 12,31,200 पिक्स लगा, ठीक है ना, 12,31,200 पिक, 900 का 95% इंटू 24 इंटू 60, 12,31,200 पिक, 12,31,200 पिक लगा। आप लोगों अगर कंफ्यूजन है ये पिक कैसे निकाले, फिर भी आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो है ना आरपीएम है कितना 900 आरपीएम और लूम चली 95%, तो पर मिनट का अगर 100% चला तो कितना पीक होता, 900 पीक, और 900 का 95% करेंगे हर 100 में 5 कम हो रहा है, 900 में कितना कम होगा, 900 में कम होगा 5 करके 900 में 45 पीक कम हो रहा, तो बाकी होंगे कितना 855 पीक मिनट में लग रहा है, और 24 घंटे का निकलना है तो 24 घंटे का कितना मिनट हो रहा है, 24 × 60 मिनट, जितना मिनट है पर मिनट में 855 लगा 95 के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक आया 1,12,31,200 पीक, ठीक है ना, 12,31,200 पीक टोटल लगा है, और उतना पीक लगा है अर्थ ये 24 घंटा चला है और 24 घंटा में पीक लगा इतना, और इतना पीक के लिए वार्प बंद हुआ 15 बार, उतना ही पीक के लिए 45 फिलिंग भी हुआ है। तो अभी टोटल स्टॉक पता चला, पहले बताए थे ये कंप्यूटर से डाटा मिला था, मशीन के जो लूम की कंप्यूटर होता है, 15 बार वार्प स्टॉप हुआ, वेप्ट स्टॉप हुआ 45 बार,
तो 15 बार स्टॉप हुआ है 12,31,200 पिक में, 45 बार बंद हुआ है फिलिंग में 12,31,200 पिक में। तो 12 लाख में इतने बार बंद हो रहा है तो लाख में कितना बंद होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए वार्प सिंपेस निकालेंगे तो 12,31,200 पिक पर इतना पिक्स में कितने टाइम से बंद हो रहा है 15 बार, तो 1 लाख में कितना होगा, ये इतना 12 लाख हो रहा है तो 1 लाख पिक में कितना होगा, पर 1 पिक्स में कितना होगा 15 by 12 = 31,200 एक पिक में, तो 1 लाख पिक में कितना होगा, 1 लाख पिक को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 12 3 1 2 0 0 इंटू 1,01,200 ठीक है। तो टोटल 12,31,200 पिक में 15 टाइम बंद हुआ वार्प के लिए, तो एक पिक के लिए कितना बार बंद हुआ 15 टोटल स्टॉप टाइम बाय टोटल पिक्स, तो फिर वो एक पिक में इतने बार बंद हो रहे, 1 लाख में कितना होगा हमें चाहिए सिंपेस में, सिंपेस का अर्थ है लाख पिक में कितने बार बंद हो रहे, तो 1 लाख पिक में ये जो आया उसको एक पीक में इतने बार बंद हो रहा है तो 1 लाख में जो आया उसको 1 लाख में गुणा कर देंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा पर लाख पीक में बंद होने का जो टाइम्स, तो 1 लाख पीक में जितना टाइम से बंद आ रहा है वो उतना टाइम सीएमपीएस है, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे 2 0 कट यहाँ पे 2 0 कट बाकी इसको जो आएगा वो होगा उसका सीएमपीएस, यानी लाख पीक में हमारा उतना टाइम बंद हुआ 15 × 1000 / 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1.21 टाइम्स वार्प के लिए बंद हो रहा है 1 लाख पीक में, उसका अर्थ है लाख पीक में जितना टाइम्स बंद हुआ वो उतना सेम पेस, लाख में 1.21 टाइम्स बंद हुआ तो उसका सेम पेस हो गया 1.21 सेम पेस किसका वार्प का, तो यहां पे 1.21 निकला वार्प का सिंपेक्स 1.21 वार्प WP लिख दिया वार्प सिंपेक्स और फिलिंग का ही बता रहे हैं, वैसे ही यहां पे सिंपल है वही चीज है 12,31,200 में 45 बार बंद हुआ 12,31,200 में बंद हुई कितने बार 45 बार ठीक है, तो 1 लाख इतना पिक्स में 1 पिक्स में कितना होगा 45 / 12,31,200 तो सिंपेस चाहिए तो 1 लाख पिक में कितने बार बंद हो रहा है वो निकालना पड़ेगा 1 लाख में 45 12 3 1 2 0 0 × 1 लाख ठीक है, ये कट बाकी जो आया इसको हम सॉल्व कर देंगे तो निकलेगा फिलिंग का ब्रेकेज, तो यहाँ पे फिर देख रहा हूँ 24 घंटे में पीक लगा इतना और इतना पीक में 45 बार फिलिंग हुआ है, तो इतना पीक में 45 हो रहा है तो 1 लाख में कितना होगा 45 / टोटल पीक्स टोटल स्टॉप टाइम बाई टोटल पीक्स, तो एक पीक के लिए इतने बार बंद हो रहा है, लाख पीक के लिए इसमें जितना होगा लाख गुणा कर देंगे वो आएगा लाख पीक में उतना टाइम्स बंद, और यह किसका है फिलिंग का, फिलिंग उतना टाइम मारे हैं 1 लाख पीक में, 1 लाख पीक में जितने बार फिलिंग के लिए स्टॉप हुआ है वो होगा उस लूम का फिलिंग सिंपेस, और उसको सॉल्व करते हैं रिजल्ट जो आएगा उसका 1 लाख पीक में स्टॉप बताएगा, 1 लाख पीक के लिए उतना टाइम स्टॉप हुआ है, उतना टाइम स्टॉप हुआ अर्थ है कि उतना सिंपेक्स है फिलिंग सिंपेक्स, तो उसको सॉल्व कर देते हैं अभी कितना आएगा 45,1 2 3 1 2 कितना आया है 45,000 नीचे 1 12 31 2 12 31 2 3.65 आ रहा है इसका आंसर 3.65 टाइम, ये 45 बार 45 टाइम्स ये तो टाइम्स में आएगा 3.65 टाइम्स लाख पीक में स्टॉप हो रहा है फिलिंग हो रहा है, तो लाख पीक में स्टॉप होना उसका अर्थ है उसका सीएमपीएक्स 3.65 उसका सीएमपीएक्स, तो फिलिंग सीएमपीएक्स कितना निकला हमारा 3.65, तो वार्प हुआ 1.21 फिलिंग हुआ 3.65।
तो ये वीडियो यही था, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, बड़ा कैलकुलेशन नॉर्मल सा है। जैसे कि पहले पीक निकालना पड़ेगा, टोटल स्पीक्स क्या है और टोटल स्टॉप टाइम क्या है, तो उसको फिर लाख में कितने बार वो बंद हो रहा है वो निकाल देंगे ना, तो फिर जो लाख में बंद हुआ जितने बार वो होगा उस लोम का उतना सेम पेस। अगर वाब के लिए बंद हुआ, वाब के निकाले तो वाब सेम पेस, फिलिंग का निकाले तो फिलिंग सेम पेस, और मैनुअल स्टॉप का भी निकाले मैनुअल स्टॉप का भी निकाल सकते हैं। मेंटेनेंस रिलेटेड अगर स्टॉप हो रहा है उसका भी सेम पेस वैसे निकाल सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ थोड़ा याद के लिए, CMPX। CMPS कोई बड़ा चीज़ नहीं है, CMPS का होता है 1 लाख पिक में कितने बार बंद हो रहा है, सेंटी मिलियन पिक्स। तो ब्रेकेज रेट, रेट ऑफ CMPS, रेट पर CMPS, स्टॉप रेट, ये जो हो रहा है ना ये बंद वाला, बंद कितने टाइम्स हो रहा है, स्टॉप रेट पर CMPS, 1 लाख पिक के लिए कितने बार बंद हो रहा है वो कितना होगा, टोटल टाइम्स ऑफ स्टॉप, या तो टोटल स्टॉप टाइम्स ऐसे कर देते हैं, टोटल स्टॉप टाइम्स डिवाइडेड बाय टोटल पीक्स इनटू 1 लाख, ठीक है, ये हो गया उसकी फॉर्मूला। तो टोटल स्टॉप टाइम कितने बार हुआ बंद और उतना बंद के लिए कितना पीक लगा, ठीक है, टोटल बंद हुआ इतना टाइम और टोटल पीक हुआ इतना, तो उसके 1 लाख गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो होगा CMPS। अगर वार्व का टाइम के बंद, वार्व का अगर स्टॉप रेट लेके कैलकुलेशन लगा रहा है तो वार्व CMPS होगा, अगर ये स्टॉप टाइम फिलिंग का होगा तो फिलिंग का CMPS होगा, अगर ये मेंटेनेंस रिलेटेड है स्टॉप टाइम तो उसका मेंटेनेंस CMPS होगा। तो आज की टॉपिक यही था लूम CMPS, और लूम CMPS कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ये स्टॉप रेट को एक्सप्रेस करते हैं या तो स्टॉप रेट को बताता है और पर लाख पीक में ये कितने बार बंद हुआ वही बताता है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही है, और आने वाले वीडियो एक और CMPS के ऊपर डालेंगे, जहां CMPS क्या होगा, RPM सेम और ब्रेकेज रेट भी सेम, 15 ब्रेकेज इसमें भी है। 3 लूम का एग्जाम्पल लेंगे, मान लो 3 लूम A, B और C। पहला वाला लूम का ये तीनों का RPM रखेंगे सेम, पर ब्रेकेज रेट जो है वो भी रहेगा सेम, RPM वही, ब्रेकेज रेट भी वही। अगर एफिशिएंसी में बदला हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसका CMPS के भी फर्क पड़ता है, वो कैसे होगा फिर आने वाले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये वीडियो हम सोच रहे हैं जिनको ज़रूरत है और जो लोगों ने ब्रीविंग फील्ड में काम कर रहे हैं, ट्रबल शूटर बीम ग्रेटर लोगों का भी यहाँ ज़रूरी होना चाहिए, और बाकी जैसे नया बिगनर्स आते हैं तो उनको भी ये चीज़ दिमाग में डालने के लिए, या तो उनको थोड़ा ट्रेंड करने के लिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और हमारे वीडियो में भी व्यू आ रहे, आगे जो वीडियो आएगा आप जरिए बढ़िया से देखते रहिए, और बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा तो ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।